पहली चीज मुझे ये जाननी है कि जब मैं कहता हूँ ये शब्द गोवा तो मेरे मन में आते हैं बीचेस, ओके? तुम्हारे मन में क्या आता है? ये मुस्कान, ये मुझसे बुलाना चाहते हैं बीचेस, बट मैं बोलूंगा कॉलेज। ये मेरी गलती है, मैं ही बुलाना चाहूंगा यार। नहीं नहीं गाइस, ये सब कुछ मोमा है। ओके, क्या मोमा है? हां, क्या मोमा है? गोवा, गोवा मोमा है, बीचेस एंड क्या बोल रहे हैं ईशान शर्मा, तुम्हारे पैसे, पढ़ाई, कोडिंग, ये तीन वर्ड अच्छे लगते हैं। तीन वर्ड अच्छे, बीचेस, ये सब क्या बोल रहे हो? ये तो आपने बोला, मैं तो मैं क्यों बोलूंगा? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ये गाइस गाइस, ईशान शर्मा का आईडी डिलीवर लोग सही नहीं होते। ईशान शर्मा की दो पर्सनालिटी है, एक वो जो तुम इसके चैनल पे देखते हो, एक वो जो की है बाहर दूसरों के चैनल पे जाके दिखाते हो। नाइस, गुड। तो आज इसको इसको पूरा खोल लेंगे, इसकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज कर दो। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से तुम्हारे खोल। ठीक है, ठीक है। तो मेरे मन में क्या आता, मैंने तुमको बता दिया। तुम्हारे मन में क्या आता गोवा बोलने से? कॉलेज मेमोरीज, दोस्त, कौन से मेमोरी? हॉस्टल। कॉलेज तुम 6 महीने के लिए गए? 6 महीने के लिए था मैं, हाँ। उसके बाद फिर पैंडेमिक हो गया, फिर वापस उन्होंने बुलाया, तो मजा नहीं आया कॉलेज में। ओके, तो मैंने 20 दिन रहा। किस टाइप का मजा तुम कॉलेज में ढूंढ रहे थे? एक वो होता है ना कि एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट होता है अच्छा, राइट? जैसे कि हम लोग बात करते हैं, मैं आपसे बात करूँ, आप बोलो अच्छा मेरे को ये कॉन्टेंट बनाना है, मेरे को ये आइडिया पे काम करना है मेरा, बोलूँगा अच्छा हाँ मेरे को भी इस पे काम करना है। वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम ही अलग है, वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम है कि भाई ये पेपर में ऐसा हो गया, ये प्रोफेसर ने ऐसे बोल दिया, ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स नहीं है। इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, ये सब कभी सोचा ही नहीं। क्यों? तुमको एग्जाम में मार्क्स आए थे? हाँ, टॉपर थे बैच के? नहीं नहीं, फिर मैं तो इलेक्ट्रिकल के पहले कोर्स में फेल हो गया था। अच्छा, हाँ, तब से आई नहीं हूँ कि भाई इलेक्ट्रिकल तो नहीं करना। ओके, फेल हो गए थे इसलिए? हाँ, मतलब आई हैड टू रीडू द कोर्स। अच्छा, वो वाला कोर्स, उसमें फिर हो गया था। तो फिर लाइक जैसे तुम कह रहे हो कि बाकी लोग ये प्रॉब्लम्स थे, तुम्हारे ये प्रॉब्लम्स नहीं थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तुम्हारा क्या कंसर्न था? मैं मार्च में आया था ना, मार्च 2022 में आया था। अच्छा। तो मेरा कंसर्न था कि भाई अगली वीडियो जा रही है तो उसके थंबनेल क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होना पहले चाहिए। 6 महीने का बता मुझे तुम पहले। पहले 6 महीने में तो मैं आया ही था, तो बेसिकली मेरे को जाना था IIT में, जहाँ पे आप गए थे। देखा, देखा, यही मैं उकलवाना चाहता था। हर बच्चे का सपना पहले होता है IIT जाने का, फिर चले जाते हैं बिट्स और फिर कहते हैं बिट्स इज बेटर देन IIT। मतलब लेजिट एक ना फेसबुक पे पेज था मेरे फर्स्ट ईयर में, IIT वर्सेस बिट्स, पेज का नाम ही था IIT वर्सेस बिट्स, एंड सिर्फ मीम चलते रहते थे कि बिट्स में ये होता है। मतलब भाई ये तो कोई कोई पता कि तुम प्रिपरेशन कर रहे थे IIT के लिए, ये तो कुछ आर्गुमेंट ही नहीं है, बिट्स ऑब्वियसली बेटर है ना, इसलिए छोड़ना पड़ गया। तो जब तुमने कॉलेज छोड़ा, तुम्हारे कॉलेज वालों ने बुलाया कभी ऐसा कि भाई पूछा तुमसे? मेरे को पिछले महीने ही बुलाया, तो उनको लिंक सेंड कर दिया होगा 1 करोड़ पर एनम वाला। मैं इनवॉइस भेज दी उनको, ओनली 1 करोड़ सर। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? तो कॉलेज के पे हम थे कि तुम्हारी मेमोरीज क्या होती है कि तुमको यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपलोड करना था? हाँ भाई, तो वो मैच नहीं बैठा, एंड क्योंकि मेरे को वहाँ पे अकेडमिक भी करने थे, राइट? वहाँ पे कोई पेपर हो रहा है, उसके लिए पढ़ाई करनी होती थी, एंड क्योंकि मैंने ये 2 साल नहीं पढ़ा, एंड आपको ही पता है कि सेमेस्टर जैसे आगे बढ़ते हैं तो अगले सेमेस्टर की जो कोर्सेज होते हैं दैट रिलाइज अपॉन द प्रीवियस सेमेस्टर के जो इन्फॉर्मेशन जो भी समझाइए, राइट? अब मेरे को इसी में कुछ नहीं पता तो मैं आगे क्या बताऊंगा, राइट? तो या तो मैं पिछले के 4-5 सेमेस्टर सब पढ़ूँ, इससे अच्छा मैंने बोला कि कॉलेज छोड़ देते हैं। गदर सॉल्यूशन है तुम्हारा यार, पंखा नहीं चल रहा, पंखा ही निकाल के फेंक देते हैं। हाँ, तो वही सब चीज आती थी, राइट? तो आई वॉज नॉट एबल टू प्रॉपरली डू एनीथिंग वेल। ओके, कॉलेज में हॉस्टल कैसा अजीब सा ही होता है, राइट? वहाँ पे वीडियो कैसे शूट करेंगे, वहाँ पे वो बाहर शोर हो रहा है, राइट? कोई बंदे गाने बजा रहे हैं, एंड आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड वीडियोस प्रॉपरली, तो मेरी वीडियो की क्वालिटी भी नीचे चली गई। देख ली पूरी वीडियो, मजा आया तो सब्सक्राइब करो ईशान शर्मा क्लिप्स को फॉर मोर कॉन्टेंट ऑन अपस्किलिंग, करियर्स एंड बिजनेस। आई विल सी यू अगेन।